मम्मी देखने से। कहाँ जा रही है तू? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। तू भी जा बंगाली बाबा के पास, तो? उनसे बोलना घर में कृपा आनी शुरू हो गई है। जिसने हमारी शादी कराई ना वो बिचौलिया, भगवान करे ऐसा ही परेशान हो। बात तो सही है। लेकिन हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना। तेरे को पता है इंसान का जन्म 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मिलता है। अच्छा? हाँ, और ये जन्म भी मैंने तुझसे दोस्ती करके खराब कर लिया। तो दफाओ फिर। वैसे कैसे दफाऊं, अब पुराने कर्मों की सजा है, मिल रही है, मैं भुगत रहा हूँ, कभी तो भोगनी पड़ेगी, भोग लेता हूँ अभी। भोगेंगे, ढंग से भोगेंगे। भाई बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है भाई, कुछ खाने को ले आओ यार। क्या खाली प्लेट है यार? ले आएंगे, बार 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 एक ही चीज बोले जा रहे हो। अरे भूख लगी है यार, बार बार। पहले मेरी बात तो सुन लो। एक तो धीरे बोल, बहरा नहीं हूँ मैं, कान है मेरे पास। सुन सुन सुन, तुम्हें बढ़िया बात याद आई, बता। जो इंसान सुन ही नहीं सकता उसको क्या बोलेगी? सुन ही नहीं सकता ना, जो सुन ही नहीं सकता ले, उसको बहरा बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तू बेवकूफ थी, बेवकूफ है और बेवकूफ ही रहेगी। क्यों, बहरे को बहरा ही तो बोलेंगे। अरे जो आदमी सुन ही नहीं सकता उसको बोलना क्यों है कुछ भी, वो तो सुन ही नहीं सकता। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या हो गया, बड़े चुप चुप बैठे हो? आज के बाद हम ये सवाल जवाब की वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों? और प्लीज मेरे से पूछना भी मत क्यों। अरे क्या हुआ? नहीं बनाएंगे मतलब नहीं बनाएंगे। अरे हुआ क्या? लेकिन नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते, बताओ मुझे। एक शर्त पे बताऊंगा। पूछो। एक सवाल का जवाब दे दे। ये क्या बात है? एक आदमी को मौत की सजा हो गई है। हाँ। उसके सामने बचने के तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते बताना, वो कौन सा रास्ता चुनेगा? कौन सा चुनेगा? उसके सामने तीन रूम है, एक रूम है जिसमें भयंकर आग लगी हुई है, एक रूम है जिसमें हथियारे खड़े हुए हैं तलवार बंदूकें लेकर के, और एक रूम है जिसमें तीन भूखे शेर हैं, तीन साल से भूखे शेर बैठे हैं। बताओ कौन से रूम में जाएगा बचने के लिए? यार तीनों ही में कैसे चला जाएगा, आग में तो वो जल के मर जाएगा, हथियारों में वो काट कूट देंगे उसको, और शेर देख करके तो उसका दिल ही बाहर आ जाएगा, अटैक से मर जाएगा बेचारा, किसी में भी नहीं जा सकता। शेरों वाले रूम में जाएगा। कैसे? बेटा मैंने अभी तो बताया, 3 साल से भूखे शेर है, अब तक तो मर गए होंगे ना। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। कहना क्या चाहते हो, कंपनी बचाने के लिए लिपस्टिक लगाऊं या पति को बचाने के लिए लिपस्टिक लगाऊं? मुझे किसी के लिए नहीं लगाना भक्ति। अच्छा जिन लोगों को पता चल जाता कि हम भी बेंगलोर में रहते हैं और वो भी बेंगलोर में रहते हैं, उनमें बड़ा जिज्ञासा उठता है, वो पूछते रहेंगे बेंगलोर में रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो, कौन से गली में रहते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो, भैया क्या करोगे जान के, इंटरव्यू लेने आओगे या गोली मारने आओगे, क्या करोगे जान के। सेम अगर उनको पता चल जाता कि वो भी बिहारी है और हम भी बिहारी हैं, फिर तो बहुत ज्यादा जिज्ञासा उठेगी, बिहार में हो, कहाँ से हो, कौन से गली, कौन से थाना, अरे भैया क्या करना है जान के, मिलने आओगे, क्या करोगे मिलके, फोटो खिंचाओगे, क्या करोगे फोटो खिंचाते। सुबह उठते ही बोली पतिदेव आज हैप्पी एनिवर्सरी है, मुझे विश नहीं करेंगे, कहते तुम्हारे अंदर तो 20 ही 20 भरा हुआ है और कितना विश चाहिए। मैं भी जा रही हूँ उनके लिए 20 वाली चाय बनाने के लिए। लोग हीरोइन को टैलेंटेड क्यों मानते हैं जबकि उसका सब कुछ तो दूसरे को करता है, एक्टिंग कैसे करना है डायरेक्टर सिखाता है, साड़ी दूसरे को पहनाता है, मेकअप दूसरे को करता है, बाल दूसरे को सेट करता है, खाना दूसरे को बनाता है, उसके बच्चे भी दूसरे को संभालते हैं, फिर भी लोग उसको टैलेंटेड ही मानते हैं। और ये जितना लीला मैं खुद करती हूँ फिर भी लोग कहते हैं करती क्या है घर बैठे कामचोर।